ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त संख्या 69 ऋषि पारासर देवतागण छंद पंक्ति ही स्वर पंचम मंत्र संख्या 1 ओम शुक्र शु शुक्वाम उषो नजार प्रपा समीची दिवो न ज्योति परि प्रजाता कृत्वा बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्र सन। वह परमात्मा अत्यंत शुद्ध है, वह देवगणों को दीप्त और प्रकाशित करता है, हृदय के अंधकार को वह जीर्ण करता है, जैसे उषाकाल अंधकार को जीर्ण करता है। वह प्रभु द्युलोक के समान जीव को प्रकाशित करता है, वह प्रभु देवों के जीवन को पवित्र करके उनका तारणहार और पालक बनता है। मंत्र संख्या 2 वेधा अद्रप्तो अग्नि विरजानान नूधर्ण गोनाम स्वाध्यमा पितूनाम जने नशेव आहूर्य सनमध्ये निषत्तो रणवो द्रोणे। विधाता द्वारा रक्षित प्रकाशित व्यक्ति अवश्य ही अपने राष्ट्र के लिए उत्तम कार्य करता है, वह ना तो अपने किए पर इतराता है और ना विघ्नों से वह घबराता है। यह सात्विक वृत्ति वाला होता यज्ञ करने वाला आपदाग्रस्त लोगों की मदद करता है, संसार को माथा पच्ची और मायाजाल समझकर एकांत गुफा को नहीं ढूंढता, संसार में डटा रहता है, परोपकार के कार्यों में लगा रहता है। मंत्र संख्या 3 पुत्रो न जातो रणवो द्रोणे वाजी न प्रीतो विशो विरातीत विशो यद हवे नरभीह सनीडा अग्निर देवत्वा विश्वानयश्व। परमेश्वर का भक्त संसार में रमणीय सबका प्रिय होता है, शक्तिशाली पुरुष की तरह वह प्रसन्न चित वाला होता है, जिससे दूसरे भी प्रसन्न और सुंदर जीवन वाले बन जाते हैं। जो निर्बल और चिड़चिड़ा होता है वह दूसरों का हित करने में समर्थ नहीं होता। हम सब एक ही प्रभु के घर में रहने वाले हैं, ऐसा सोचकर उदार मन बनो। तुम सब परमेश्वर के पुत्र हो, देव पुत्र हो, ऐसा समझो। मंत्र संख्या 4 नकिष्ट एताव्रत मिनंति नरभ्यो यदिभ्यः सृष्टिम चकर्थ तत्तुते दंशो यद हन तस्मानैर नरभीयर द्युक्तो विवे रपांसी। जो व्यक्ति व्रतमय जीवन बिताते हैं परमेश्वर उन्हें सुख प्रदान करता है, पुण्य के प्रभाव से उनके कलेश नष्ट हो जाते हैं, वे सदा युवा बने रहते हैं, वे दूसरों में उत्साह को बढ़ते रहते हैं, प्रजा के दोष दूर करके उनमें सद्गुण बढ़ते रहते हैं। इसीलिए ये परम ब्रह्म परमेश्वर के अति प्रिय बन जाते हैं। मंत्र संख्या 5 ऊषो नजारो विभावो इस्त्रह संज्ञात रूपश्चिके तदस्मै तमना वहंतो दुरो व्यण वन्न वंतविश्वे स्वर दृशी के। जैसे उषाकाल अंधकार को विदीर्ण करता है, वैसे ही एक भक्त भी अपने अज्ञान अंधकार को ज्ञान ज्योति से विदीर्ण करता है। यदि उसे स्वयं को ज्ञान ना हो तो दूसरों को भला कैसे ज्ञान देगा। वह माया और चालाकियों से दूर रहता है, सरल स्वभाव होने के कारण सब उसको अपना समझते हैं, उस पर विश्वास करते हैं,
उसका मन वाणी और कर्म सब एक जैसा रहता है। परमेश्वर सदा सच्चे इंसान पर मेहरबान रहता है, उसके योग क्षेम में कोई बाधा नहीं पड़ती। वह आत्मनिर्भर रहता है, वह अपना बोझ दूसरों पर नहीं डालता। शम यानी शांति, सद्विचार, इंद्रिय निग्रह, संतोष, सत्संग, मोक्ष के मार्ग उसके लिए बन जाते हैं। अंत में वह उस प्रभु को प्राप्त कर ही लेता है। ओम शांति 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 ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 69वां सूक्त समाप्त हुआ। इक्तु सच्चा, तेरा नाम सच्चा।